रिसर्च करके ये डेस्टिनेशन मैंने चूज किया है. इट हैज मेनी थिंग्स टू ऑफर. इट हैज प्रिस्टाइन बीचेस. अपार्ट फ्रॉम प्रिस्टाइन बीचेस, इट हैज लॉट ऑफ ब्यूटिफुल प्लेसेस विच यू कैन एक्सप्लोर. देर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज वॉट यू कैन डू ड्यूरिंग वीकेंड विच रियली कैन मेक योर वीकेंड एक्साइटिंग. सो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा दापोली घुमाने वाली हूँ विद आइटनरी एंड with budget. So stay tuned till the end. वैसे कैसे यहाँ पे पहुंची उसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाना पड़ेगा. थोड़ा सा जस्ट. It's 7:30 in the morning and I'm waiting for my train at Thane station. This is Mandovi Express. It has arrived. सो मांडवी एक्सप्रेस बहुत अच्छा ट्रेन है. इट्स वेरी क्लीन. यहाँ पे एक्चुअली मैं हमेशा यही ट्रेन से सफ़र करती हूँ. जब भी मैं गोवा जाती हूँ या सावंतवाड़ी जाती हूँ तो मैं इससे सफ़र करती हूँ. इसका जो पैंट्री कार है वहाँ पे भी मैं गई थी. बहुत क्लीन है, बहुत अच्छा खाना भी मिलता है. तो चाय की चुस्की लेते हुए और मेथी भज्जी खाते हुए मेरा सफ़र यहाँ से अच्छा ही गुजरा. ट्रेन थोड़ा लेट था क्योंकि सिंगल लाइन है तो थोड़ा लेट हो जाता है. दापोली जाने के लिए यू हैव टू गेट डाउन एट खेत स्टेशन. बीच क्रॉस करने के बाद ऑटो मिलता है. ऑटो से खेत बस स्टैंड और खेत बस स्टैंड से दापोली बस स्टैंड गई. उसके बाद मैंने ऑटो किया. इन द मीन टाइम मैंने सागर में कॉल किया था कि लंच मिलेगा कि नहीं. तो उन्होंने बताया कि नहीं, अभी लंच नहीं मिलेगा. तो ऑटो अंकल से पूछा तो उन्होंने बोला जगदीश लंच होम अच्छा है यहाँ पे. तो हम लोगों ने जगदीश लंच होम में लंच किया. नॉनवेज थाली खाया था, अच्छा था वो. तो वहाँ से हम लोग फिर निकल पड़े लंच के बाद. तो सागर में क्योंकि बुकिंग था तो ऑटो अंकल को उधर ही हम लोगों ने ड्रॉप करने के लिए बताया. रोड साइड पे हमें कुछ रिसॉर्ट्स भी देखा विच आर फार अवे फ्रॉम द सी साइड, बट रिसॉर्ट्स अच्छे हैं. कुछ होम स्टेज भी हम लोगों को दिखाई दिया. सो फाइनली मुझे सी दिख गया. बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स आफ्टरनून टाइम, बहुत धूप है बट उतना गर्मी तो नहीं है, बट धूप बहुत तेज़ है. इट्स 2:30 नाउ. तो चेकिंग करके फटाफट फ्रेश होना है, थोड़ा रेस्ट करना है. खाना तो पहले ही हो गया है. सो फाइनली वी हैव रीच्ड सागर हिल्स रिसोर्ट. व्यू देख के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. हाउएवर चेकिंग के लिए ना मैंने डॉक्यूमेंट्स पहले से अपलोड करके रखे थे, तो आप भी कर सकते हैं ऐसे. तो और सागर हिल रिसोर्ट का जो है मतलब रिव्यू, वो मैंने पहले ही अपलोड करके रखा है. आई बटन में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर चेक कीजिएगा. इट्स 5:10 नाउ. तो अभी निकल गए हम, ऑटो ढूंढना पड़ेगा अभी. ऐसे भी नीचे जा सकते बीच पे. तो मैं चलते चलते निकल पड़ी हूँ. अभी मैं परशुराम भूमि करके बोरुंड में एक प्लेस है, तो वहाँ जाना चाहती हूँ. वहाँ से एक्चुअली चारों बीच अच्छी तरह से दिखते हैं, तो वो देखने के लिए मैं जा रही हूँ. दैट एरिया इज ऑन द टॉप, तो वहाँ से देख सकते हैं अच्छे से. लेट्स गो. यहाँ पे ऑटो का बहुत इशू है. ट्रैफिक बोलूँ तो इस रोड पे सिर्फ एक बस दिखा, बट वो बस बोरुंडी नहीं जा रहा है. तो इसके लिए अभी देखते हैं ऑटो का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा. वाली बीच रिसोर्ट सजाया हुआ है. कृपा सिंधु होटल, दिस इज आल्सो होटल.
यहाँ से कुछ लोकल पॉइंट्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और बीच भी जा सकते हैं। अभी जो प्लान है वो हम लोग एक्चुअली जाना चाहते हैं वही जो परशुराम भूमि है, पर अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो आपको मतलब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे इस रूट पे ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर है। अभी मालूम नहीं मुझे भी सीन क्या होगा, मैं कितना एक्सप्लोर कर पाऊँगी, बट अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे सुना है कि इस होटल वाले के पास एक ऑटो है तो उसको हायर करके हम लोग जाने वाले हैं। तो ये है कांटे बीच, तो चलते चलते मैं बैक साइड से एक्चुअली आई हूँ। तो आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू द प्लेस ऑन द अदर साइड ऑफ द कैमरा। सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, इट्स अ ह्यूज बीच। तो हमारा होटल बहुत आगे है। मैं पूरा मेन रोड घूम के फिर कर्दे बीच पे आई हूँ। सो फ्रेंड्स, अपडेट ये है कि मुझे ऑटो नहीं मिला और मुझे परशुराम भूमि का आइडिया ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि मैं सनसेट मिस नहीं करना चाहती थी। अभी 5:45 हो रहा है और अगर मैं परशुराम भूमि पहुंच भी जाऊँ फिर मैं सनसेट वहाँ से देखना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने सुना है कर्दे बीच यहाँ से सनसेट सबसे अच्छा दिखता है पूरे दपोली में, तो मुझे यहीं से सनसेट भी देखना था। Calm and soothing waves, flat sea. Wow, this is such a peaceful place. बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम खाली खाली सा है और यहाँ से इतना अच्छा व्यू है। तो यहाँ से कुछ फोटो सेशन करने के बाद फिर मैं आगे जाऊँगी जहाँ से वो सनसेट व्यू पॉइंट है, तो वहाँ मैं जाऊँगी, वहाँ से सनसेट देखूँगी। Look at the gorgeous sunset. At this moment, the ideal thing to do would be taking a boat ride into the Arabian Sea against the beautiful sundown in the backdrop would be certainly an enriching experience. खूबसूरत सनसेट दिख रहा है, बहुत अच्छा ये फ्लैट बीच है और बीच में ऐसे ऐसे रॉक्स है, थोड़ा रॉकी बीच है बट बहुत खूबसूरत सनसेट है, बहुत ही प्यारा। सनसेट हो गया है और हमने कार्दे बीच में बैठ के सनसेट देख लिया, बहुत खूबसूरत सनसेट है। सनसेट का टाइम है ऑलमोस्ट 6:45, तब तक सनसेट हो जाता है, बहुत खूबसूरत सनसेट है। यहाँ पे ज़रूर आइए और बहुत खाली खाली सा है बीच, तो बहुत अच्छा लगेगा। सो बहुत अच्छा सनसेट देखा, उसके बाद अभी कार्दे बीच से ही देख लिया। यहाँ से मूल बीच मेरे पीछे दिख रहा है, एक्चुअली आप ध्यान से देखेंगे तो पीछे भी दिख रहा है। तो अभी हम लोग चाय पी के यहाँ से बीच साइड से चाय पीएंगे, थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करेंगे फिर होटल चले जाएंगे। यहाँ पे एक्चुअली कुछ खास शाम को करने के लिए कुछ है नहीं, तो और होटल में भी आपको जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, तो 7 o'clock तक बताना पड़ेगा। तो अभी हम लोग यहाँ से चाय पीएंगे और फिर जाएंगे। छोटा सा क्यूट सा टी स्टॉल मोशी का, तो यहाँ पे हम लोग भी चाय पी लेंगे। ये बेंच मुझे अच्छा लगा तो यहाँ पे बैठेंगे। सी कितना खाली खाली सा बीच है। ये सागर रिसॉर्ट, शाम को बीच घूम के हम लोग आ गए। एक टाइम Thank you.
8 o'clock in the morning, and this is the view from our hotel. रिसॉर्ट है और यहाँ से मैं आ गई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ, मतलब बीच पे पहुँच गई हूँ। तो अभी मैं देखने जा रही हूँ यहाँ पे बोट अवेलेबल है कि नहीं। ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ, बोट का टाइमिंग था 7:30, अभी 8 o'clock हो रहा है। मालूम नहीं क्या होगा। देखते बैक साइड का व्यू है, यहाँ पे टेंट लगा के भी लोग सो रहे थे। अभी हम लोग ये शॉप में पूछेंगे कि डॉल्फिन स्पॉटिंग के लिए बोट है कि नहीं। काफी सारा एक्टिविटीज है यहाँ पे भी। बोट्स है, बनाना बोट राइड पे जा सकते हैं। अभी बहुत कुछ स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ इनको हमने पूछा तो अभी एक बोट तो चला गया है और दूसरे बोट के लिए अभी हम दो है, उधर चार लोग है, तो और 6 लोगों का वेट करना पड़ेगा। तो तब तक ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मसी बन गया क्या? जल्दी भागना है, बोट आ गया है। है हमारा बोट। अभी हम ये बोट लेके उधर दूसरे बोट पे जाएंगे। Very excited to spot a dolphin. Just look at the color of the water. It's so clean. Dolphin actually has ड्यूरिंग 2020 दिवाली ना बहुत सारा डॉल्फिन स्पॉट हुआ था। मतलब शाम को मुझे बीच शेक से मालूम चला कि दिवाली के टाइम पे बहुत डॉल्फिन था। टू स्पॉट अ डॉल्फिन वन हैज़ टू बी वेरी फोकस्ड एंड शुड कीप क्वाइट एंड शुड हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए दिख रहा है तो मतलब फोटोज लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आई विल ट्राई टू शो यू थ्रू द वीडियो। सो फार वी कुड स्पॉट ओनली वन डॉल्फिन, सो पीपल स्टार्टेड पुलिंग दिस बोटमैन्स लेग। अरे बोट का
आपको करना है ना तो डॉल्फिन राइड करने के लिए आप जितना जल्दी आओगे, जैसे 7:30 से बोट स्टार्ट होता है तो 7:30 वाला बोट ट्राई कीजिए ज़रूर लेने का, क्योंकि तब जितना धूप कम होगा डॉल्फिन उतना ज़्यादा दिखेगा, ये यहाँ के लोकल से पता चला। तो अभी मैं होटल जाऊँगी, वहाँ से चेकआउट करूँगी और चेकआउट करके दूसरे होटल में चेक इन करना है, क्योंकि ये होटल पसंद नहीं आया। और दापोली में आना है तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए कि यू हैव टू बुक द होटल इन एडवांस, क्योंकि यहाँ पे होटल्स बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं, स्पेशली तभी जब भी हम लोग इंटर स्टेट ट्रैवल ही कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। तो हाई प्राइसेस है बहुत यहाँ पे होटल्स का, इतना एमिनिटीज तो उतना ग्रेट नहीं है, बट हाँ प्राइसेस बहुत हाई है। तो उसके हिसाब से होटल भी आपको मुझे नहीं लगा, तो इसके लिए मतलब जल्दी बुक कीजिए। मेरा सडन ट्रिप था इसके लिए मुझे ये आज लेना पड़ा। और अभी मैं चेकआउट करके दूसरे होटल जाऊंगी, विच इज़ एट फलांदे बीच। तभी मिलते हैं। ऐसे बहुत सॉफ्ट सैंड है, मतलब चलने में ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सॉफ्ट सैंड है यहाँ पे। मॉनसून स्टार्ट्स फ्रॉम जून टू अगस्त एंड इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट दापोली एज द वेदर इज सो प्लेजेंट। ऑल्दो दापोली रिमेन्स कूल थ्रू आउट द ईयर, द समर्स आर लेस क्राउडेड, सो वन कैन प्लान एन ऑफ सीजन विजिट टू दापोली। इट्स श्योरली अ ग्रेट वीकेंड गेटवे। वैसे मैक्सिमम फुटफॉल जो होता है दापोली में इज दैट इज़ इन ह्यूज नंबर्स, दैट इज़ ड्यूरिंग मानसून व्हेन द टाउन कम्स टू लाइफ विद ग्रीनरी, और ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन द वेदर इज सो प्लेजेंट एंड फेस्टिवल्स आर ऑन अ क्यू। होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो एंड फाइंड दिस इंफॉर्मेटिव। प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट, subscribe the channel and tap the bell icon for further notifications.